नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत दोसर दिन फुलबारी लीला कैल गेल। शिक्षाक मंदिर आ शांति क्षेत्र विद्यालय सब राजनीति का खारा बन रहा, नेता सब के लोभ आ लालच सब विद्यालय संकट में फंसे जा रहा। कांग्रेस में लफड़े लफड़ा, महतरी क्षेत्र नंबर 3 के अधिवेशन में निर्वाचन अधिकृत के अपहरण का प्रमाण पत्र लेने दावी आरोप। पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ जसपा में समाहित भेल बात सरासर गलत रहल, महासचिव सहित पदाधिकारी सब से दावी। आ अपन पार्टी के नेतृत्व में नया सरकार बन आब एको वर्ष नहीं लागत, एमाले अध्यक्ष ओली के बोली। आब समाचार विस्तार से। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत दोसर दिन शनि दिन फुलबारी लीला सम्पन्न भेलै छ। राम आ सीता के एकांत में भेंटघाट करेबा कार्यक्रम के फुलबारी लीला कहल जाइत अछि। राम आ सीता बीच पहिल बेर फुलबारी में भेंटघाट भेल, पौराणिक कथा के आधार में फुलबारी लीला कार्यक्रम करबाक परम्परा रहल अछि। महामहोत्सव अंतर्गत तेसर दिन अर्थात रवि के धनुष यज्ञ, चारिम दिन तिलकोत्सव, पाँचम दिन मटकोर, छठा दिन शुभविवाह अर्थात विवाह पंचमी आ सातम दिन रामकलेवाक साथ विवाह पंचमी समापन होयत। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के अवसर में जानकी लीला प्रदर्शन कयल गेल अछि। विवाह पंचमी में सीता के एकटा योद्धाक रूप में प्रस्तुत कर जानकी मंदिर के प्रांगण में साँझ में सीता एक योद्धा नामक जानकी लीला आयोजना कयल गेल। ऐलान इवेंट संस्था जनौलक अछि। प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं। रामलीला में भगवान राम के चरित्र, व्यक्तित्व, महिमा आ शक्ति दर्शाओल जाइत अछि, मुदा सीता शिव धनुष उठौने लगायत के हुनक शक्ति के विषय सबके समेत चर्चा होबय पर बाक कहैत ई कार्यक्रम कयल गेल। आयोजक जनौलक अछि, रावण के बद्ध काली के रूप में सीता के ने प्रसंग वाल्मीकि रामायण में उल्लेख रहल बतबैत आयोजक सीता के शक्ति के विषय में थप जानकारी आ प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से ई कार्यक्रम कयल गेल दावी कयलक अछि। सीता के वीरता बुझबाक, सीता के शक्ति आ वीरता बुझ के लेल वाल्मीकि रामायण पढ़ समेत ओ सब सब केओ के आग्रह कयलक अछि। कांग्रेस महतरी क्षेत्र नंबर 3 के अधिवेशन में धांधली भेला से मान्य नहीं होबाक दोसर पक्ष दावी कयलक अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का महतरी कांग्रेस के नेता लोकनि निर्वाचन अधिकृत धीरेन्द्र मंडल के गुंडा शैली में अपहरण क प्रमाण पत्र छीन क ढलकेवर के एकटा होटल में अपने सब केओ मिल क प्रमाण पत्र वितरण क अधिवेशन सम्पन्न भेल प्रचार केनाई अपराध जेका रहल कहैत अपना सबके मान्य नहीं होबाक चेतावनी दिलक अछि। जनकपुर में रहे प्रदेश के कार्यक्रम, हम सब आदमी चल अलिए कार्यक्रम में, वही बीच से अपन के मतदान अधिकृत धीरेन्द्र मंडल जी के अपने के अपहरण शैली में उनका घर पहुँच कर जो है दो चार आदमी उनका अपहरण कर ललकन। अपहरण कला के बाद जो है से अब उनका कहाँ लग गलन, हर मोबाइल से सीज कर ललकन, मोबाइल के हर स्विच ऑफ। अब हम सब इंतजार में छी कि आब मीटिंग बजाते तब मीटिंग बजाते तो हम सब रेडी पोजिशन में छी, लेकिन जो है से मीटिंग की है एक जो है से आई हमरा सब के खबर भेटल कि जो है से प्रमाण पत्र वितरण भ गेले। प्रमाण पत्र में जो है से निश्चित रूप से लॉबीगत के हिसाब से हर सीट पर हम सब जो है से उम्मीदवारी देव के चलिए, नहीं अपने के सहमति में होती तो 50-50 के जो है रेशियो में जो है से कैल जा, से हमरा सब के आंतरिक इच्छा छल। से नहीं कह के हमरा सब के ग्रुपो फोड़ के लेल दू गो साथी के जो है से मात्र नाम इंट्री कर दिल्क, एगो मनोज झा जे क्षेत्रीय सभापति के उम्मीदवार रहे, दोसर लव राजा सिंह के,
ओहो दू आदमी के नाम ही टिकल के तो निर्वाचन के जे प्रक्रिया छे निर्वाचन के प्रक्रिया अपना के कर चाहिए से नहीं तो नॉमिनेशन भरल के ने कोनो प्रकार के सूचना प्रकाशन भेले एकाएक सीधे आई सुबह में पता चलल हमरा सब के कि प्रमाण पत्र वितरण कर देल के ओ सब निर्वाचन अधिकृत मंडल अपना संगे रहल प्रमाण पत्र छीन के लगेल कहित लिखित पत्रे जारी केला सा अधिवेशन अवैधानिक भऽ गेल दावी कयलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में महोत्तरिक सचिव शंभू पाठक नगर सभापति अशोक शाह क्षेत्रीय सभापति के आकांक्षी मनोज झा सहित सबके उपस्थिति छलनि। ओ सब वर्तमान क्षेत्रीय सभापति रामचंद्र तिवारी गुंडा शैली अपना कऽ प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकृत आ प्रमाण पत्र अपहरण कऽ कऽ लगेल कहित खारिजी के माँ कयलक अछि। प्रमाण पत्र वितरण के तस्वीर देखला पर एकटा होटल में रहल आ ओहि में निर्वाचन अधिकृत मंडल समेत उपस्थित नहि भेला सँ समेत अपहरण पुष्टि भेल आ अधिवेशन अवैधानिक दावी भेल हुनका सबके तर्क छलनि। एम्हर नेपाली कांग्रेस के प्रदेश अधिवेशन असमंजसता दिस अगाड़ी बढ़ि रहल अछि। महतारी आ सरलाही के विवाद मिल नहि सकला सँ प्रदेश अधिवेशन के निर्वाचन प्रक्रिया आई साँझ धरि समेत शुरू होब नहि सकल अछि। प्रदेश दू विवादित बनैत आब 14 महाधिवेशन के बाद मात्रे प्रदेश दू के प्रदेश अधिवेशन होयबाक संकेत बढ़ित जा रहल अछि। विद्यालय शिक्षा के मंदिर कहल जाइत अछि। कोरोना कहर के कारण महीनों महीना ठप्प रहल धनसा के विद्यालय सब केनाहुतो क सुचारू त भेल मुदा विभिन्न समस्या के कारण प्रहरी के बंदूक के सुरक्षा घेरा में विद्यार्थी सब पढ़ब बाध्य अछि। कतौ जग्गा विवाद त कतौ विद्यालय के संपत्ति में राजनीति भेला के बाद विद्यालय सब में पुलिस खटाब पड़ रहल अछि। एक रिपोर्ट। यदि नेते सब के भाषण सुनल जाय त विद्यालय शिक्षा के मंदिर मात्र नहीं भ शांति क्षेत्र समेत अछि मुदा वही नेता सब के कारण विद्यालय राजनीतिक अखाड़ा साबित होबय लागल अछि। धनुषा के विद्यालय सब में स्थानीय विभिन्न विवाद के कारण बंदूकधारी प्रहरी परिचालन क के नाम मात्र के पढ़ाई लिखाई भ रहल अछि। प्रहरी के उपस्थिति में बाल बच्चा सब के भय आ त्रास के वातावरण में पढ़ावल आ लिखावल जा रहल अछि। बंदूक लगाएल बड़ डर लगे है पढ़े में मन लगे है पुलिस बंदूक सब डर लगे में पुलिस सब धनुषा के कतेको ठाव के विद्यालय के प्रधान अध्यापक सब समेत किछ राजनीतिक दल सब संगे मिल कर राजनीति करय लगला के बाद एहन अवस्था के सृजना भेल देख में अबैत अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था स्थित श्री राजर्षि जनक मावी में जग्गा के विवाद के कारण ओत बंदूकधारी पुलिस तैनात क के पढ़ाओ लिखाओ जा रहल अछि। विद्यालय के जग्गा दान केने जग्गादाता परिवार सब जग्गा में अपन दावी क रहल अछि त प्रधान अध्यापक वीरेंद्र प्रसाद यादव अपना के जग्गादाता कहवला सब फर्जी लाल पुर्जा बना क जग्गा में दावी क रहल बतौला के बाद ओत चरम विवाद देखल जा रहल अछि आ भयभीत अवस्था में विद्यार्थी सब पढ़ रहल अछि। जमीन कहाँ छे? ये तो महाशेर पोखरी छे। महाशेर पोखरी के चार आदमी के नाम से छे। पहले बाबा दादा के जहिया हम सब बच्चे बच्चे छले हमरा सब जन्मो न छले तहिया से ये बच्चा सब के तहिया से ये पोखरी है। आ पहिनका जब पहिनका आदमी सब सब मरि गेलै मरते मरते दू खंड में दू गो पीड़ित समाप्त है। अब तेसर पीड़ित में नया में सबके चार आदमी के नाम से बजाबते साथ है लाल पुर्जा है नक्शा है सब कुछ प्रमाण है आता जबरदस्ती ये सब बल प्रयोग करके यह मुद्दा करवल के आ केहुना राजनीतिकरण करे के लागे ये मास्टर चाहे 24 घंटा जो कुर्सा में राजनीति करी छे आ ये से बजैले है बाहर भी पहाड़ में रही मास्टर पहाड़ में से बजा के ऐसे राजनीतिकरण क के जे गांव में खुरदौनी उग्र रूप केना लेते परिवार के छे सुभाष महासेठ मणि महासेठ लगाए झलू महासेठ लगाए तिनके परिवार के लोग सब अपना नाम से अहाँ के लाल पुर्जा निकाल लेने जल गए 2017 साल में इस जमीन पर विद्यालय स्थापना भेल छे जे टाइम सार्वजनिक संपत्ति रहे
लेकिन वो सब 2028 साल में जाके एक लाल पुर्जा निकाल लेने छे जे बात किनको सब था नहीं चले लेकिन एमहर आके वो सब स्कूल के हुआ हमारा जमीन में हटाओ से के एक बात चल रही बात के खोल प्रसार हो लगले एक किस्म के बात पाल गई वही के लिए विद्यालय दूषित लाल पुर्जा बद्दरगढ़ी पाँव के से जिला अदालत में आके 2075 साल से आके मुद्दा कहने से वही के संदर्भ में अभी अदालत के अमीन सब आयल से विद्यालय वास्तव में छह दिन से छह तक कौन नंबर किता में से कितने दूर में से आदि बात लगे आयल से लेकिन हमारा सब से मांग नहीं रहे हमारा सब मांग ही रहे कि 53 नंबर किता में विद्यालय से 53 नंबर किता के संपूर्ण जगह विद्यालय के से और उस सब विद्यालय के भोग चलन में से कह के से लेकिन अभी यही ढंग के अवस्था से बात हमारा सब था। कुर्था के वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ किछ दल संग मिलकर विद्यालय के प्रधान अध्यापक आ किछ शिक्षक सब लाल पुर्जा रहल जग्गा समेत के दाता परिवार के इ जग्गा नै अछि कहि कऽ दावी कर रहल आ दादागिरी कर रहल आरोप लगबैत अछि। त प्रधान अध्यापक यादव लाल पुर्जा बना कऽ जग्गा कब्जा करय लागल आरोप लगा रहल अछि। ई त भेल कुर्था के बात। धनुषे जिला के मिथिलेश्वर मौवाही स्थित श्री राष्ट्रीय मावी के कथा किछ पृथक अछि आ एहने दुखदायी अछि। विद्यालय के प्रधान अध्यापक लाल बाबू यादव सरल गलल जलखै बाल बच्चा सब के खुवने 5 वर्ष से विद्यालय के आय व्यय आ विद्यालय के अधीन में रहल संपत्ति सब के विवरण मांग केला पर आइ काल्हि करैत चढ़ैत आबि रहल आ किछ राजनीतिक दल के संरक्षण में दादागिरी कर रहल कहैत विद्यार्थी अभिभावक आ स्थानीय आंदोलित बनल अछि। सबके नाम पर उठवा खाए उसे कह का मतलब मेला के बाद जेहो लक्ष्मेश्वर जी के पाला में एक पढ़ाई के पठन पाठन के स्तर जो बढ़िया चले एकदम धराशाई कर स्कूल में आके पूरा राजनीति के अखाड़ा जो हो अखाड़ा बना कर राख दिल्किन उनका पठन पाठन से कोनो लेना देना नहीं कि बच्चा कहाँ जा रहा है पठन पाठन केहन भ रहा है ओत के व्यवस्था केहन भ रहा है उनका ओसब से कोई लेना देना नहीं है। वो एक चीज में लगे छथिन कि कौन कौन योजना बनाबी कौन योजना से हम पैसा लाबी और वही अपना वो पैसा के दुरुपयोग कर अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ओतबे में लागल रहे छथिन। ओत एमाले बाहेक के दल के आशीर्वाद प्राप्त क प्रधान अध्यापक यादव अपना हिसाब से स्कूल चला रहा है। प्रधान अध्यापक यादव अपना ऊपर हाथ फात भेला से स्वयं विद्यालय आव असुरक्षित रहल बतबैत स्थानीय 5 गोटे ऊपर मुद्दा दायर कर जनकपुर धाम में व्यस्त रहल छथि। एना के राजनीतिक दल के आड़ में प्रधान अध्यापक आ शिक्षक सब राजनीति करय लगला के बाद धनुषा सहित प्रदेश नंबर 2 के मदेश के हरेक जिला के सामुदायिक विद्यालय सब एखन शिक्षा के मंदिर नहीं भक राजनीतिक दल के अखाड़ा बन गेल अछि। विवाद चाहे केहनो रहैत अछि मुदा आंतरिक कारण ओतक राजनीतिक दल के खींचातानी अवश्य रहैत अछि। समाज आ देश के भविष्य निर्धारण करय वाला विद्यालय के अपने भविष्य अंधकार में फंस गेल बात कहला पर बेठीक नहीं हैत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। शुक्रदिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ जसपा नेपाल पार्टी में समाहित भेल घोषणा भेल संगे ओकर विरोध भेल अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के महासचिव बबीता देवी पूर्वे पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ कोनो पार्टी में आबद्ध होब नहीं सकबाक दावी कैले अछि। 36 पिछड़ल जात जाति सबके सजिया संगठन ओबीसी महासंघ कोनो समेत दल के भातृ संगठन नहीं रहल आ नहीं होबाक हुनक दावी अछि। मतलब सबके सहमति व्यक्तिगत हुनका नहि भेलखिन तऽ ओ मुद्दा डायर कऽ देलकै अध्यक्ष पर मतलब अध्यक्ष हम बनब से भाई तऽ ओ अदालत से गजेंद्र ठाकुर जी भऽ गेलखिन है ना तब ई लास्ट में की केलखिन अपने के जब बचा के लगे हुनका पर जब पूर्जी कटौली जब हिना बिना के जो मुद्दा लगलै ने सब सदस्यता हुनकर संपत्ति से बुझब के लगे जब उनका तब ये की कलखिन से एक बचा के लगे अपना बचा के लगे एमाले पार्टी के भारतीय संगठन बना लेलखिन हिंदा लोभ दिलखिन कि मतलब हम नियुक्ति करवा देवे मतलब तो वो के हिसाब से एमाले के भारतीय संगठन बना ले आ भारतीय संगठन एमाले उनका के तो बड़का पार्टी छे उनका बारे में सब कुछ खा भेलखिन तो एमाले तो उनका नियुक्ति नहीं करवेलखिन तो आब की कलखिन अब इनका से फिर अपने के उपेंद्र यादव से कोऑपरेट करके
अपने के ऐ के भारतीय संगठन बनाबी ओबीसी के नाम बेच के हम सब हिसाब से होले। लेकिन ओबीसी तो किसी व्यक्तिगत नहीं है, क्यों संस्था के तो 36 को जाति के संगठन है ना, क्यों व्यक्तिगत पार्टी में जा सक। उनका सबके अनुसार शुक्र दिन जसपा में प्रवेश कने भरत महतो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नहीं है। नेतृत्व चयन के लिए भेल मतदान में गजेंद्र ठाकुर के समूह अध्यक्ष में विजय भेल आ सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर भला के बाद सेहो सर्वोच्च अदालत से ठाकुर पक्ष के मान्यता देल गेल दावी करैत ओ सब भरत महतो 22 करोड़ घोटाला के आरोप लागल व्यक्ति रहल आ मुद्दा चल रहल कहित कोनो पार्टी में प्रवेश केला पर पूरे पिछड़ा वर्गे ओहि में समाहित भ गेल कहनाय गलत रहल बतौलने छ। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ है, वो हम कोनो भी अभी पार्टी में शामिल नहीं है, नहीं कोनो पार्टी में हम सब सभी शामिल किया। व्यक्तिगत कोई दो चार आदमी जाए वो अलग बात है, ओबीसी से हम सब अभी नहीं सीखे गए। सम्मेलन में उपस्थित पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी सब भ्रष्टाचार लुकाब भरत महतो कहियो एमाले में प्रवेश कने ते अखन आबि कऽ एमाले में ठाव नहीं पिला के बाद जसपा में नुका कऽ अपन भ्रष्टाचार नुकाब चाहि रहल आरोप लगौलक अछि। नेपाल लेखापढ़ी कानून व्यवसायी एसोसिएशन प्रदेश दू कार्य समिति के पूर्णता देवाक लेल प्रदेश दू स्तरीय भेला जनकपुर धाम में सम्पन्न कयलक अछि। जनकपुर धाम में उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में भेल भेला से एसोसिएशन प्रदेश दू के 17 सदस्यीय कार्य समिति के पूर्णता देवाक क्रम जारी अछि। तर हाम्रो यहाँ के आएछ भने 17 वटा कार्य समिति गठन गर्नु छ। दुई नम्बर प्रदेशमा 17 वटा कार्य सदस्यहरू गठन गर्नु छ, त्यसमा अध्यक्ष प्रस्ताधक सचिव, त्यसमा एउटा म संयोजक भएको छु, एउटा मेरो जयनारायण देव सचिव भएको छ, हामी दुईजना कार्य समितिमा छौँ। अहिले चाहिँ यो भेला गरेर 8 जिल्लाको लेखापढी व्यवसाय अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सबैलाई हामी निम्तो गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो निम्तोमा 2 नम्बर प्रदेशको मुख्य न्यायाधीश, 2 नम्बर प्रदेशको मुख्य न्यायाधीश के शर्मा थियो, विनोद शर्माजी यहाँ पधारेर हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। ऐसा आगू संयोजक आ सचिव दू गोटे पदाधिकारी मात्र चयन कयल गेल जानकारी करबैत शनि दिन के भेला से 15 गोटे नया सदस्य थप होयबाक आ वही 15 गोटे सदस्य सब में से बाकी पदाधिकारी सहित सदस्य सब चयन होयबाक आयोजक जनौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 मिल्स एरिया स्थित मुख्य चौके में नवनिर्माण कयल गेल प्रजातंत्र सेनानी स्वर्गीय शुभनारायण शाह के सालिक के अनावरण कयल गेल अछि। स्थानीय सालिक तथा स्मारक पुनर्निर्माण समिति द्वारा निर्माण कयल गेल प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा स्वर्गीय शुभनारायण शाह के सालिक के अनावरण तथा स्मारक के समुद्घाटन जनकपुर धाम के मेयर लालकिशोर शाह कयलनि अछि। समितिक अध्यक्ष जगदीश महासेठ निर्माण सम्पन्न भेला के बाद सालिक के आयोजक समारोह के बीच समुद्घाटन कयल गेल जानकारी देलनि अछि। अब बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी सरकार में आब 1 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करय पड़त दावी कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली देरी में समेत 1 वर्ष भीतर देश में निर्वाचन होयबाक आ तेकरा बाद अपन पार्टी सरकार बनेबाक दावी कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एकटा कार्यक्रम में बजैत ओ अपन पार्टी नेतृत्व के सरकार बनला बाद देश में पुनर्निर्माण नवनिर्माण के काम तीव्रता के साथ फिर से अगाड़ी बढ़ेबाक आश्वासन समेत देलनि अछि। अध्यक्ष ओली संपदा सब के पुनर्निर्माण राजमार्ग लगायत के पूर्वाधार के निर्माण काज देख नहीं सकयवला सब अपना सरकार से हटौने दोहरौने छलनि। ओ आप देश के विकास आ समृद्धि के अभियान के निरंतरता देव एमाले के आगामी चुनाव में विजय कराब परबाक समेत दावी कयलनि। अध्यक्ष ओली देश निर्माण करबाक सझिया उद्देश्य प्राप्ति के लेल अपन पार्टी में आब अन्य पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब के आह्वान कयलनि। यसलाई मिलाएर उसलाई मिलाएर गर्यो भने तिनीहरूले
आफ्नै खुट्टा त फुत्किँदैन नि, नट बल्टु लगाएको खुट्टा त नट बल्टु खुस्काइदिन्छ, खुस्किहाल्छ। मैले अलिकति काम गर्ने समयका लागि नट बल्टु समेतका केही जोड्या थिएँ, कसले कसले जोडिदियो, कसले कसले फुत्काइदियो, त्यो फुत्किएका खुट्टाहरू गए, मेहनत गरेर जोडियो, दरारा बनेको देखेपछि तिनको छाती पोल्यो, छातीमा आगो बल्यो, तिनको दिमाग भत्भत् पोल्यो, रानी पोखरी बनाए देखेपछि, हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू फेरि उठेको देखेपछि आत्तिन थाले। पूर्व पश्चिम अध्यक्ष ओली, स्वयं सरकारमे रहिका किछु काम कर, नट बोल्ट जोड़ के काम केने रही, तो आब केओ ओकरा खोल देने आ खुलला के बाद ओ नट बोल्ट सहित के एकटा पक्ष ओम्हर चलि गेल दावी कयलनि। आब ओहन होबन नहि देब, नेपाली जनता अपन पार्टी के एकल बहुमत देबाक समेत ओ बतौलने छ। ओ अगिलका बेर नेपाल के भोजडित देश के रूप में स्थापित करौला पर अपना के सरकार से हटाओल गेल दावी समेत कयलनि छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, दलसँग बीचकै सहमति बेगर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमै महाअभियोग प्रस्ताव लाबक अवस्था नै रहल धारणा रखलेने छ। अध्यक्ष दहाल यहाँ अघन 28 गते बजाउल गेल संघीय संसदकै हिउँदे अधिवेशनमै समेत राष्ट्रिय सहमति आ दलसँग बीचकै समझदारी नै भयो, प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धकै महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेबाक अवस्था नै रहल प्रष्ट कयलने छ। सेन्दिन पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालकै चितवनमै आयोजित 4 राष्ट्रिय महाधिवेशनमै बजेत हो राजनीतिक दल सबकै सहमति आ समझदारी नै भयो, एमसिसीकै विषयमा समेत संसदसँग निर्णय लेबकै अवस्था नै रहल धारणा राख्लेने छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमै महाअभियोग लगेबाक बात आ एमसिसी पारित करबाक बात दलसब बीचकै सहमति मात्रै होबाक अध्यक्ष दहालकै कहब छलनि। अध्यक्ष दहाल प्रधान न्यायाधीश ऊपर महाअभियोग लगबाक बात एमसीसी की हैत कहिकऽ विषयमे चिन्ता नै लेब, लोकतन्त्र आ गणतन्त्रके पक्षमे दृढ़तापूर्वक खार होब समेत पार्टी निकट पत्रकार सबके संगठन प्रेस सेंटर के नेता कार्यकर्ता सबके अपील के लेने छ। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरुको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ, त्यसकारण यसको लागि बोलाएको हो कि भनेर कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई। त्यहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड देशमै एखनो प्रतिगमनकै खतरा नै टरल उल्लेख गरेत, उही विरुद्ध कलम चलाव समेत पत्रकार सबके आग्रह कयलनि। ओ प्रतिगमनकारी आ प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति सब सत्तारूढ गठबन्धनके कमजोर पार सकैत अछि कि कहिकऽ षड्यन्त्र कयल जा रहल दोहरौलने छ। अध्यक्ष दहाल एमालेके चितवनमे सम्पन्न 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनके पञ्चायतीकरणके संज्ञा दैत ओहि विरुद्ध आओर सजग आ सक्रियताक साथ लाइक पर समेत पार्टीके निकट पत्रकार सबके निर्देशन देलनि। संविधानलाई कुल्चिने मिच्ने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगमनतिर जाने षड्यन्त्र भयो र त्यसका विरुद्ध फेरि हामीले पत्रकारिताको तर्फबाट, राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट र आम जनतालाई सडकमा ल्याएर जानुपर्ने परिस्थिति तयार भयो, तपाईँ हामी सबैले त्यसको निम्ति वातावरण बनायौँ। अध्यक्ष दहाल स्वयं सब प्रतिक्रान्तिके रोकैत देशके समृद्धिके बार दिस अगाडि बढाव चाहने बेर दोहोऱ्याउन छलनि। ओहि अवसरमै ओ प्रेस सेन्टर नेपालके नेतृत्व चयनमे अपनासँ हस्तक्षेप नै गर्बाक धारणा रखने छलनि। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीक संघीय परिषद सदस्य के अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्काल संविधान संशोधन कऽ अगाडि बढ़ अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल बतौलने छ। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल भट्टराई सब उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल अपन पार्टी संविधान संशोधन कर के एजेंडा में लाइक पड़ल दावी कयलने छ। सेन्दिन काठमाडौँ में आयोजित एकटा कार्यक्रम में बजेत ओ सब उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार सुनिश्चित होब जका संविधान संशोधन कर एकताबद्ध भ कऽ अगाडि बढ़ समेत आह्वान कयलने छ। अध्यक्ष भट्टराई संविधान संशोधन कर पड़त अछि कहिकऽ बात के अपन पार्टी संसद में बेर उठाबि रहल आ मंत्री परिषद में समेत सरकार में सहभागी मंत्री मार्फत उप प्रस्ताव पेश कर लगेबाक आश्वासन समेत देलने छ।
त हुँदैन, अहिले संसदबाट मात्रै सबै थोक होस् भनेर हुँदैन, साङ्गीतिक हुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले राख्नुहोला, साङ्गीतिक रूपमा हामीले गर्छौँ, किन संसदबाट हामी बोलिरहेका छौँ, सडकबाट पनि हामी बोलेकै छौँ, र सरकारमा पनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीमा त्यहाँ प्रस्ताव बनाएर यसलाई लैजा मन्त्री संसद हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राख्छौँ, र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले त्यही नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि अन्त्य अध्यक्ष भट्टराई फेर्छ समेत सङ्घर्ष नै कक न्याय अधिकार प्राप्त गर सकल जेबाक तर्क समेत रखले नै छ। ओ नेवा स्वायत्त राज्य स्थापनाक लेल नेवार समुदाय हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर प्रभाक धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाक नयाँ नेतृत्व चयन करबाक लेल मतदान काठमाडौँमे जारी अछि। काठमाडौँके भ्रिकोटी मण्डपमे राप्रपाके एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयन करबाक लेल शनि दिन मतदान भऽ रहल अछि। मतदान भोरमे 8 बजेसँ शुरू भेल छल, करिब 12 बजेसँ मतदान भोरे 8 बजेसँ शुरू होयत कहल गेल छल, मुदा 12 बजेके बाद मात्र शुरू भेल छल। मतदाताके संख्या बहुते भेल आ ओकरा चुस्त ढंग सँ मतदान करेबाक व्यवस्था कर मतदान काज किछु देरी भेल। केन्द्रीय निर्वाचन समिति मे सदस्य रहल राजू बस्नेत जानकारी देलनि। ओ मतदान जल्दी सम्पन्न कर 86 विद्युतीय मतदान मशीन आ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के हक में मतपत्र के समेत व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। निर्वाचन समिति के अनुसार मतदान राति 10 बजे धरि चलत, तकरा बाद 2 घंटा भीतर मत परिणाम घोषणा होबय जका मतगणना के काम के अगाडि बढ़ाओल जेबाक निर्वाचन समिति के तैयारी अछि। सदस्यको लागि लगभग 270 जना उम्मेदवार जम्मा भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 8 बजे निर्वाचन गर्ने भन्ने तापनि यो उम्मेदवार संख्या धेरै भएको, त्यसमाथि क्लस्टर छुट्टन पनि महिला छुट्टै खुल्ला पुरुष छुट्टै अनि मधेसी उत्पीडन। राप्रपाका अध्यक्ष पदमे कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन के उम्मेदवारी परल अछि। अध्यक्ष थापा अपन जीत सुनिश्चित भेल प्रतिक्रिया देलनि। ओ पार्टी भीतर नेतृत्व के लेल भेल प्रतिस्पर्धा सँ पार्टी के आओर सुदृढ़ बनेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। यस क्रममा नेतृत्वको चयन पनि सहमतिको आधारमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। अब निर्विरोध नसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता। अध्यक्ष के दोसर प्रत्याशी लिङ्गदेन पार्टी के एजेंडा के जनता के बीच में लजेबाक काम में विगत के नेतृत्व कमजोरी केला सँ ओकरा सचियाब स्वयं अध्यक्ष में उम्मीदवारी देने बतौलनि। ओ महाधिवेशन सँ पार्टी में फूट एबाक अवस्था अंत भक जेबाक दावी समेत कयलनि। अब यो चोटि यो सबै प्रकारको व्यक्तिसँग जोडिने पहिचान समाप्त भएर अब यो महाधिवेशनपछि सबै कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेर जान्छ। दुवैजना अध्यक्षहरूको प्रत्याशीहरूको चाहिँ फेरि एजेन्डा त एउटै छ, तैपनि सहमति हुन्छ। महाधिवेशन के 4380 प्रतिनिधि सब नयाँ नेतृत्व चयन करबाक लेल मतदान में भाग लऽ रहल अछि। 141 गोटे केन्द्रीय सदस्य के लेल 270 गोटे उम्मीदवार बनल छथि। राप्रपा के 199 कार्य समिति मध्य अध्यक्ष सहित 149 गोटे सदस्य निर्वाचित होयत, त बाकी 50 गोटे अध्यक्ष मनोनीत करबाक वैधानिक व्यवस्था अछि। 8 सदस्य पदाधिकारी के लेल 16 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। पदाधिकारी में 1 महिला सहित 4 उपाध्यक्ष के लेल 8 गोटे आ 1 महिला सहित 3 महामंत्री के लेल 6 गोटे चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहल केन्द्रीय निर्वाचन समिति जनौलक। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 238 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर के प्रयोगशाला में 6,797 गोटे के PCR आ एंटीजेन परीक्षण केला पर 238 गोटे में थप संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में थप 392 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल अछि, त 5 गोटे के मृत्यु भेल जनाओल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा 5 दलीय गठबंधन तोड़ विदेशी शक्ति सब लायक पड़ल धारणा रखले नहीं छे। पार्टी के सिद्धार्थ नगर नगर कमिटी के अधिवेशन के शनि दिन उद्घाटन करैत नेता महरा संविधान से प्राप्त उपलब्धि रक्षा करे वाला शक्ति के रूप में रहल 5 दलीय गठबंधन के तोड़ विदेशी शक्ति सब लायक पड़ल धारणा रखलन, मुदा कौन विदेशी शक्ति से ओ स्पष्ट नहीं कलन। एखुनका गठबंधन संविधान आ प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करक लेल बनल कहित ओ कहलन, हम सब संविधान के उपलब्धि सब के बचाव के पक्ष में छी, मुदा दोसर ध्रुव प्राप्त उपलब्धि उल्टा क राजतंत्र लेबाक धर्मनिरपेक्षता हटेबाक आ हिंदू राष्ट्र बनेबाक अभियान में सक्रिय है। एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली संविधान के निमोर क उपलब्धि उल्टाब के शक्ति के नेतृत्व कर रहल ओ आरोप लगलन। माओवादी शक्ति सब एक हो पर बाक में जोर देत महरा बाबूराम भट्टराई विप्लव लगायत के नेता सब संगे सहकार्य क एक भक अगाड़ी बढ़ जका छलफल भ रहल
धारणा रखलन। विवेकशील साझा पार्टी सिटीजन्स डिस्कशन फोरम आ राष्ट्रीय जनता दरबार पार्टी के एकता से औपचारिकता पौलक है। शनि दिन ललितपुर के जावला खेल में आयोजित सभा में तीन पार्टी के प्रमुख सब पार्टी एकताक सहमति में हस्ताक्षर कलक है। एकीकृत पार्टी के नाम विवेकशील साझा पार्टी राखल जाए तो चुनाव चिन्ह तराजुए रहत। केंद्रीय समिति में सिटीजन्स के 31 आ दरबार पार्टी के 14 गोटे थपल गए। केंद्रीय कार्य सम्पादन समिति में दुनू पार्टी से 11 गोटे थपल गए। कार्यक्रम में विवेकशील साझा के अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम समेत एकता में आव सहमत भेल बतौलन। एखन एकटा तबका अपना सबके विश्वास नहीं केने कहत मिश्र अपन पार्टी देश के नेतृत्व करबाक दावी कलन। वो कहलन केकरो ऐ देश के रूपांतरण करबाक क्षमता रखत तो ऊ विवेकशील साझा पार्टी मात्र है। मानू या नहीं मानू विवेकशील साझा पार्टी ऐ देश के नेतृत्व कैक छोड़त। धर्मनिरपेक्षता के विषय में जनमत संग्रह कर पड़बाक आ संघीयता खारिज कर पड़बाक मुद्दा अगाड़ी घुसकौने हो। स्वयं न राजसंस्था वा गणतंत्रवादी नहीं भ नेपालवादी भेल धारणा रखलेने। आब स्पोर्ट्स दू बेर पाछू पड़ल आ संहार के प्रदर्शन पोखरा के टोली मनाग मरस्यांगदी संकटा क्लब संगे अंक छीन सफल भेल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल में मनांग दू बेर पाछू पड़ल अवस्था से संकटा दू दू गोल के बराबरी खेलत एकटा अंक छीन सफल भेल। अंक गुमौने मनांग लीग तालिका के शीर्ष स्थान में चढ़ के मौका गुमौलक। अहि संगे जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में मनांग अपन अपराजित यात्रा तेसर खेल में समेत निरंतरता दिलक आ मनांग के विजय यात्रा में पूर्ण विराम समेत लागल। दुदू के बराबरी खेलत अंक बाँट के क्रम में संकटा के लिए नीरज बस्नेत आ उत्तम राय एक एक गोल कला पर मनांग के दयानंद सिंह आ फ्रैंकलिन क्वेटा एक एक गोल कलक। कीर्तिमानी आठ बेर के चैंपियन मनांग विरुद्ध तीसहम मिनट में नीरज गोल करत संकटा के शुरुआती अग्रता दियौने। लक्ष्मण रुचाल के फ्री किक में नीरज हेड मार्फत जाली बॉल के जाली चुमाव सफल भेल छल। मुदा खेल के 35 मिनट में दयानंद गोल करत मनांग के एक एक गोल के बराबरी में पहुँचौलक। पूजन ऊपर कोटी के फ्री किक में फ्रैंकलिन क्वेटा के पास में भारतीय मिडफील्डर दयानंद हेड मार्फत गोल केने छल। तेकरा बाद के पहिल हाफ में दुनू टोली से थप गोल होबे नहीं सकल। दोसर हाफ में दुनू टोली आक्रामक खेल देखौलक। खेल के 70 मिनट में जाकर उत्तम गोल करत संकटा के 2-1 के अग्रता दियौने छल। वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में मैदान प्रवेश केने उत्तम फोड़े फोफाना के पास में फिर से गोल कर सफल भेल। तेकरा बाद दबाव में पड़ल आठ बेर के चैंपियन मनांग के लेल इंजुरी समय में फ्रैंकलिन गोल करत मनांग के दू दू गोल के बराबरी में पहुँचबत टोली के हार से बचा दिलक। अही बराबरी संगे मनांग तीन खेल में 7 अंक जोड़ सफल भेल। मनांग दोसर स्थान में थावत अस्त संकटा 5 अंक जोड़ कर तेसर स्थान में ऊपर गेल। खेल में संकटा के टाम्पी अर्नेस्ट मैन ऑफ द मैच चुनल गेल। संकट के जय गुरुंग इमर्जिंग प्लेयर घोषित भेलन। नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली के उपकप्तान सीता राणा मगर हांगकांग में आयोजना होब जा रहा क्रिकेट प्रतियोगिता में सहभागिता जनाओत। राजधानी में आई सीता एक कार्यक्रम के आयोजना क हांगकांग में आयोजना होब लागल महिला क्रिकेट प्रतियोगिता फेयर ब्रेक इनिवेशनल 2022 खेलबाक जानकारी करौलक। सीता खेल लागल फेयर ब्रेक इनिवेशनल 2022 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से मान्यता प्राप्त रहल आ महिला T20 प्रतियोगिता रहल बताओल गेल। अहि संगे सीता विदेशी प्रतियोगिता में खेलय वाला पहिल नेपाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी होब सफल भेलिए। सीता सहभागिता जनाब लागल प्रतियोगिता आबे वाला वर्ष के May 1-15 तारीख धरि हांगकांग में आयोजना होयत। प्रतियोगिता में 6 टीम के सहभागिता रहत। भारतीय पाकिस्तानी चर्चित खिलाड़ी समेत सहभागिता जना रहल प्रतियोगिता में सीता खेल वाला टोली के निष्कर्ष एखन नहीं लागल। सीता के अंतर्राष्ट्रीय खेल के अवसर दियाब क्वींस इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली समन्वय कर रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से
श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत दोसर दिन फुलबाली लीला संपन्न भेल। शिक्षाक मंदिर आ शांति क्षेत्र विद्यालय सब राजनीति का खारा बन रहा नेता सब के लोभ आ लालच से विद्यालय संकट में फंसित जा रहा। कांग्रेस में लफड़े लफड़ा महतरी क्षेत्र नंबर 3 के अधिवेशन में निर्वाचन अधिकृत के अपहरण का प्रमाण पत्र छीनने दावी आ आरोप। पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ जसपा में समाहित भेल बात सरासर गलत रहल महासचिव सहित पदाधिकारी सब के दावी। अपन पार्टी के नेतृत्व में नया सरकार बना अब एको वर्ष नहीं लागत एमाले अध्यक्ष ओली के बोली। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।